हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रतीक्षा। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लास्ट टॉपिक के साथ, विच इज व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी ऑलरेडी डिस्कस विद द न्यूमेरिकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इज द टाइम टू डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स सी, the factor affecting the elasticity of demand is the nature of the commodity. Nature of the commodity का मतलब किसी भी commodity का nature क्या है, किसी भी commodity का स्वभाव क्या है। वो commodity हमारी necessities of life के साथ deal करती है, वो commodities comfort commodities है, okay? वो commodities या luxurious commodity है, इसके ऊपर depend करती है elasticity of demand। तो फ्रेंड, एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं आपको वर्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स जो जल्दी जल्दी चेंजेस अडॉप्ट करती है, बहुत जल्दी ही चेंज अडॉप्ट करती है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, राइट? तो नेचर ऑफ द कमोडिटी, बेसिकली अगर हम बात करते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मतलब जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं, ओके, कमोडिटीज होती हैं, जैसे मेडिसिन हुई, वेजिटेबल्स हुई, राइट, फूड ग्रेन्स हुआ, तो ये हमारी मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, ये हमारे लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, ओके। वी कैन नॉट मेक कंपनसेट, हम इनके साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते, ओके। वी हैव टू बाय सच कमोडिटीज, हमको इन सारे गुड्स को खरीदना ही पड़ेगा, चाहे प्राइस बढ़े या कमे, ओके। देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन डिमांड ऑफ सच कमोडिटीज, इन गुड्स की डिमांड में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, राइट, इज द नेचर ऑफ द कमोडिटी। यहाँ नेसेसिटीज की बात की थी हमने, और कंफर्ट्स की बात करते हैं हम, कंफर्ट्स की बात करते हैं, उसकी डिमांड में कैसे चेंज होंगी। देखो कि अगर इंसान को कूलर्स की ज़रूरत है, कूलर की, रेफ्रिजरेटर्स की, ये कंफर्ट्स हैं लाइफ के, तो क्या हो सकता है कि वो अपनी डिमांड शिफ्ट भी कर सकता है, बोल सकता है कि आज नहीं तो हम कल खरीद लेंगे, आज अगर इसकी अर्जेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, फ्यूचर में खरीद लेंगे। तो ये क्या है, हमारी कंफर्ट्स हैं, मतलब यहाँ इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ इलास्टिसिटी में, ओके। दीज आर इलास्टिक, कंफर्ट वाली चीज़ें क्या है, इलास्टिक है। लग्जीरियस थिंग्स की बात करते हैं तो लग्जीरियस ज़्यादा हाई इलास्टिक होते हैं, ओके। हाई इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर हम डीवीडी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ओके, डीवीडी के अलावा एसीज की बात कर रहे हैं, तो अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं इनके, तो ऑब्वियसली डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, ओके। प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये लग्जीरियस प्रोडक्ट है ना, लग्जीरियस प्रोडक्ट की बात करते हैं, लग्जीरियस गुड्स की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा क्या है, ज़्यादा हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक मतलब बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो अवेलेबल ऑफ सब्सटीट्यूट, अवेलेबल ऑफ सब्सटीट्यूट इसका दूसरा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। अवेलेबल ऑफ सब्सटीट्यूट मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ गई है, ओके, इफ देयर इज रेज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, ऑटोमेटिकली देयर इज वन सब्सटीट्यूट ऑफ अदर गुड, किसी एक गुड्स का दूसरा सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर किसी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम दूसरे के लिए अपना एक सब्सटीट्यूट रखते हैं, ओके। सपोज देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो हम अपनी डिमांड को कॉफी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉफी का सब्सटीट्यूट है, राइट, इज द अवेलेबल ऑफ सब्सटीट्यूट, राइट। इनकम लेवल, इनकम लेवल की जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली जो रिच फैमिलीज होती हैं, ओके, जो रिच पीपल होते हैं, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ओके, क्योंकि उनके पास उतनी इनकम है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ईजिली अफोर्ड कर पाएंगे। बट क्या होता है कि उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चेंज नहीं होती, उनकी इलास्टिसिटी बनी रहती है, उसमें चेंज डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता रिच फैमिलीज के लिए, ओके, रिच पीपल्स के लिए। बट सेम टॉकिंग अबाउट द पुअर फैमिलीज, पुअर पीपल के लिए उनकी डिमांड में फ्लक्चुएशन हो जाता है, उनकी डिमांड चेंज हो जाती है विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ओके, उनकी अर्निंग कैपेसिटी लो होती है इसलिए। लेबल ऑफ प्राइस, लेबल ऑफ प्राइस की अगर बात करते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली गुड्स होते हैं, ओके, कॉस्टली गुड्स की बात करते हैं, कॉस्टली कमोडिटीज़ की बात करते हैं, लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर्स, है ना,
ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वन होते हैं। तो एक्सपेंसिव वन की बात करते हैं, तो एक्सपेंसिव में क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, ये चेंजेस होते जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। ओके, चेंजेस अडॉप्ट किए जाते हैं, उनकी डिमांड में चेंजेस होते रहते हैं। बट अगर हम इन एक्सपेंसिव गुड्स की बात करते हैं, इन एक्सपेंसिव मतलब साल्ट, नीडल्स एसेट्रा, ये क्या है, इन एक्सपेंसिव है, तो इनमें हमारी जो डिमांड है, डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता हमारी डिमांड में। बट कंपैरिजन करते हैं कॉस्टली और इनएक्सपेंसिव के साथ, तो जो ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं, तो हमारी डिमांड क्या होती है, हमारी डिमांड चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशन होता है हमारी डिमांड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक होते हैं। राइट, पोस्टपोन्ड ऑफ कंजप्शन क्या होता है, कि हमको जो ज़रूरत की चीज़ें, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं, आज नहीं तो कल खरीद लेंगे, क्योंकि आज हमारी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। राइट, तो क्या होता है, लाइक टेक एन एग्जांपल, लाइक बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, आज नहीं खरीदेंगे तो कल खरीद लेंगे, इनको हम पोस्टपोन करते जाते हैं। राइट, पोस्टपोन ऑफ कंजप्शन। राइट, नंबर ऑफ यूजेस, सपोज़ एक गुड्स से बहुत ज़्यादा गुड्स का यूज़ होता है, मतलब अगर एक चीज़ से फर्दर चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, ओके, एक गुड्स का, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ मिल्क, ओके, मिल्क को क्या करते हैं, हम चाय में भी उसका यूज़ करते हैं, ओके, टी बनाने में भी उसका यूज़ करते हैं, हम मिल्क को बॉयल करके खुद ड्रिंक करते हैं। राइट, उससे कर्ड बनता है, मैनी मोर चीजेस। अगर पर्टिकुलर मिल्क की प्राइस बढ़ रही है, मिल्क की प्राइस बढ़ जाती है, तो हम उसके यूजेस को कम कर देंगे, ओके, हम उसका एक ही सिंगल यूजेस, मतलब बहुत ही अर्जेंट यूज़ में उसका यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा तभी हम उसका यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी आज जो प्रेजेंट कंडीशन में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, अगर कल के दिन उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसका कंजप्शन क्या करेंगे, कम करेंगे, उसका यूज़ बहुत ही अर्जेंट चीज़ों में करेंगे। राइट, इज़ दी नंबर ऑफ यूजेस। राइट, टाइम पीरियड, यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, एक दिन के लिए हो सकती है, एक हफ्ते के लिए हो सकती है, एक साल के लिए हो सकती है, एक महीने के लिए हो सकती है, और बहुत सारी सालों के लिए भी हो सकती है, ये क्या है, एक टाइम पीरियड के अंदर ही रहती है। राइट, इलास्टिसिटी, सपोज टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं, तो बेसिकली हम विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि हम विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ की डिमांड नहीं करेंगे क्या, एसी और फ्रेश कूलर की डिमांड करेंगे क्या, नहीं कर सकते, हम अपनी डिमांड को शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर चीज़ की ही रिक्वायरमेंट को हमको फुलफिल करना पड़ता है। राइट, इस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, एक टाइम पीरियड के लिए होती है। राइट, हैबिट्स क्या होता है, कि जनरली जब हम चीज़ों की हैबिट्स आ जाती है, आदत बन जाती है, जैसे कि लोग चाय पीते हैं सुबह उठकर, शाम को भी चाय पीते हैं, तो जब उन लोग की हैबिट आ जाती है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उसको चेंज कर पाते हैं। ओके, वो हमारी आदत बन जाती है, तो हम उनको, हमें उसे कंज्यूम ही करना पड़ता है, वी कैन नॉट डिनाई, हम उसको डिनाई नहीं कर पाते, क्योंकि लत टाइप की लग जाती है, जैसे कि लोग सिगरेट, टोबैको, है ना, अल्कोहल, इन सब का सेवन करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो लोग एडिक्टिव हो जाते हैं उस चीज़ से, तो उनको वो चीज़ लेना ही पड़ता है, तो प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इज वॉट हैबिट। वी डिस्कस दी फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।